गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग, आ गए एक और न्यू व्लॉग में। और यार आज बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि मेरा मोबाइल ये वाला जो मैंने नया लिया है रेडमी नोट 10 प्रो, इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई और ये थोड़ा ख़राब हो गया है। तो यार इसको बनवाना है और हम लोग जा रहे हैं इसको सर्विस सेंटर और इसको बनवाने। तो यार वही पता नहीं क्या हो गया, मैंने इसको नया लिया था और आज पता नहीं बग आ रहे हैं इसमें बहुत सारे, और प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं और चल भी नहीं रहा ढंग से, वीडियो में भी लैग मार रहा है बहुत। पता नहीं कुछ वायरस घुस गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा बोल रहे हैं। हम लोग कल गए थे, अब मैं आपको बताता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं रीज़न इस वीडियो में बताऊँगा, वो क्या है ना, हम लोग मास्क नहीं पहने थे, इसलिए वो बोली बाहर जाओ पहले मास्क लगा के। अब हम लोग मास्क रख लेंगे, बाद इसको बना के जाते हैं, बनवाने जा रही है। ये तो सुपेला में ही है इसका सर्विस सेंटर, वो तो आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा। तो इसी को बनवाना है यार, आज बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है इसमें। तो इसको बनवाने पापा और मैं जा रहा हूँ, और बनवाते हैं इसको, फिर देखते हैं इसका क्वालिटी ठीक होता है कि नहीं और चेंज आता है कि नहीं। गाइस यार पापा और मैं आए थे यहाँ पे सेक्टर के बाहर सेक्टर तरफ, और मोबाइल बनाने आए थे। तो मैं सोचा क्यों ना एक देख लूँ गॉगल्स, तो मैंने देखने आया हूँ यहाँ पे। भैया दिखा दो यार एक अच्छा वाला पैसा, तो यहाँ के शॉप कीपर है ये वाला भी अच्छा दिखेगा। गाइस एक बार देखो, ये तो फिट आ रहा है एकदम सही है ये भी। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ ये वाला ले लूँ। कितना है भैया इसका प्राइस? 100 रुपीज़। तो मैंने भैया को पेमेंट भी कर देता हूँ, फिर चलते हैं यहाँ से सीधा मेरी मोबाइल को बनाने, और जो मोबाइल मेरा ख़राब हो गया था सर्विस सेंटर। तो गाइस हम लोग आ गए सर्विस सेंटर, और आज हम लोग मास्क लगा के आए हैं। सोचो पापा तो अपना गमछा बांध रहे हैं, और ये रहा पीछे हमारे MI का सर्विस सेंटर, और यहीं पे हमको हमारा फ़ोन देना है। करीब आधा घंटा लगेगा इस प्रोसेस में, उसके बाद हो जाएगा हमारा फ़ोन का काम। तो गाइस हम लोगों ने हमारा मोबाइल छोड़ दिया वहाँ पे सर्विस सेंटर में, बोलते कि 2 घंटे बाद आपको कॉल किया जाएगा और मैसेज कर दिया जाएगा। फिर हम लोग जाएंगे और 2 घंटे बाद अपना फ़ोन उठा लिया, और फ़ोन ठीक हो जाएगा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस सॉफ्टवेयर अपडेट मारना है उनको, बस इतना सा झंझट है थोड़ा। सॉफ्टवेयर अपडेट मेरे को आया नहीं था ना इसलिए, और बस वो अपडेट मारेंगे फिर हमारा फ़ोन एकदम रेडी टकटक। घूमते घूमते इतना आगे आ गए, और ये देखो सामने यहाँ हम लोग ब्रिज पे चढ़ गए, और ये ब्रिज अभी अभी बना है नया, मेरे को तो पता ही नहीं था इसका उद्घाटन हो चुका है। रायपुर आते थे वही वाला? हाँ जो रायपुर आते थे ये ऊपर से जाएगा अब रायपुर सीधा, और ये ब्रिज पे हम लोग चढ़े यार, मस्त लग रहे हैं बर, क्या ही जबरदस्त व्यू आ रहा है। और हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा, क्या व्यू आ रहा है यार, ये तो एकदम मस्त बना है पुलिया टाइप का। बाजू साइड का नहीं बना है अभी, इस साइड का पहले बना दिया गया है, ये ब्रिज थोड़ा झुका है उधर, इधर डामर चालू हो गया है, वाह जबरदस्त बदबू भी आ रही है एकदम। तो गाइस आपको लग रहा होगा इतनी धूल, और इतनी धूल से आपको समझ में आ गया होगा हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रायपुर, और रायपुर शहर, वाह। तो रायपुर शहर में अभी हम लोग 31 चौक में हैं, और 31 चौक से हम लोग एंटर कर रहे हैं रायपुर। अभी हम लोग को जाना है ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का भंडार है, भंडार समझ लो भंडार, सारा माल दुर्ग कुमारी सब जगह वहीं से आता है। तो हम वहीं जा रहे हैं, और यहाँ पे इतना भीड़ है मैं क्या बताऊँ आपको गाइस, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, और उस जगह का नाम मैं आपको वहाँ चल के बता दूंगा। तो वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखना, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर देना। अब जाके थोड़ा धूल हटा है हम लोग, क्योंकि एंटर कर दिए हैं, ये एम्स वाला रोड है, ये सीधा रोड एम्स जाता है। गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रवि भवन, और यही है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा मार्केट रायपुर में जो है, और यहीं से सारा माल ट्रांसफ़र होता है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेने, और वो हम आपको दिखा देंगे। पहले हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर, यहाँ से स्टार्टिंग
हमको यहाँ दिख जाएगा तो बहुत ही बढ़िया सही रहेगा, वो चीज़ मिल जाए यहाँ पे, सस्ता भी मिल जाएगा आपको। अगर फ़ोन का मार्केट चाहिए, कोई फ़ोन चाहिए, किसी भी तरीका की चीज़ चाहिए, तो कुछ ऐसा टाइप का कॉम्प्लेक्स है, रवि भवन बोलते हैं इसको, रवि भवन बोलोगे तो ये बहुत फेमस है यहाँ का। और बहुत सारे फ़ोन शॉप्स भी हैं, फ़ोन रिपेयरिंग भी हो जाएंगे यहाँ पे, और फ़ोन का कुछ भी आइटम हो, छोटे से छोटा आइटम भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। इतनी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आने में भी, और यहाँ पे सामान परचेस करने में भी। तो हम लोग जो आए हैं लेने, वो हमको मिल जाए, बस हम यही चाहते हैं, फिर तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो हम लोग ढूंढते हैं वो चीज़, फिर आपको दिखाते हैं वो क्या है। रवि भवन से बाहर आ चुके हैं, और यार जो चीज़ हमें चाहिए थी, मतलब रिंग लाइट, वो हमें नहीं मिल पाया यार, उसका वैसा क्वालिटी भी नहीं मिला। नाश्ता करने का सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत देर से घूम रहे हैं हम लोग। यार जो चाहिए रहता है वो मिलता ही नहीं है हम लोग को, वो रिंग लाइट लेना था यार, HQ कंपनी का है वो, HQ कंपनी का रिंग लाइट, क्वालिटी भी उसका ज़बरदस्त है, मैं क्या बताऊँ आपको यार, वैसा वाला चाहिए पर यार मिल ही नहीं रहा है, मैं क्या बताऊँ। तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी जा रहे हैं नाश्ता करने। तो यार अभी हम लोग रुक गए यहाँ पे नाश्ता करने, और देखते हैं पापा क्या लाते हैं, उनको जो अच्छा लगेगा वो ला देंगे। तो पापा ले आए हैं गर्मा गर्म समोसे और दही में डूबे हुए, बढ़िया बढ़िया, मस्त लग रहा है एकदम। चलो यार खाता हूँ, बहुत भूख लग रही है। तो यार गाइस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, और फिर से बाप रे यार क्या ही धूल है, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऐसा धूल है, क्या कर सकते गाइस। जब तक ये रोड का काम चलेगा तब तक तो ऐसे ही आना जाना करना पड़ेगा, वैसे भी हमें वैसे रेगुलर नहीं आना है, पर आज आए हैं तो साले इतना भीड़, सब धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस रोड में ट्रक चलती है, इसमें यहाँ पे धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ता है, सबसे ज़्यादा इन्हीं की वजह से उड़ता है, क्योंकि चक्का घूमता है ना, चक्का तो घूमेगा ही। हाँ चक्का तो घूमेगा ही, बड़ी गाड़ी है ना इसलिए, छोटी गाड़ी से उतना ज़्यादा धूल नहीं उड़ता, बड़ी गाड़ी से ज़्यादा उड़ता है। होंडा ही, इसके अंदर कार वार आती जाती है, मुझे पता है ऐसे डब्बे में कार आती जाती है, कार आती जाती नहीं है, कार पार्सल होती है। हाँ कार ट्रांसपोर्ट होती है, पार्सल लेके जाते हैं, तो कुछ भी नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूँ, सभी के अंदर कार रहती है। तो चलो गाइस हम लोग पहले घर पहुँचते, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यार जो काम हमें करना था वो तो हुआ नहीं रायपुर में, लेकिन हमने रवि भवन दिखा दिया आपको, जैसा कि मैंने आपको बोला वहाँ सब चीज़ मिल जाता है, पर जो एक रिंग लाइट भी बहुत थी, पर यार जो हमको चाहिए था ना वो वाला नहीं मिला। रिंग लाइट थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, लेकिन वहाँ रिंग लाइट भी थी, पर जो हमको चाहिए था वो वाला नहीं था ना, इसलिए कोई इसलिए हमको प्रॉब्लम हो गया, हम लोग नहीं लिए उसको, क्योंकि जो हमको चाहिए था वो थोड़ा बेटर क्वालिटी, अच्छा भी लग रहा था हमें, उसका फाइबर मटेरियल भी बहुत बढ़िया था, पर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा तो ही ना बोलेंगे कि वहाँ नहीं मिलते हैं, मिलता है, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर क्वालिटी को लेके जाओगे तो कोई ज़रूरी है क्या मिल जाएगा आपको, नहीं ना, तो इसलिए हमको वैसी नहीं मिला, पर कोई बात नहीं, आप अगर जाएंगे तो आपको भी वहाँ जो चाहिए होगा आप एक बार कंफर्म कर लेना है कि नहीं है, और दो चार जगह ढूंढ लेना, तो फिर आपको मिल सकता है वहाँ। ज़्यादातर ये रिंग लाइट भी उतना वैसा नहीं था जो हमें मिल जाए, हमें वहाँ पे ज़्यादातर मोबाइल्स के काम ज़्यादा होते हैं, मोबाइल कवर तो एक सेक, मोबाइल कवर, मोबाइल एक्सेसरी सब मिलता है, बस ये रिंग लाइट का कुछ ही दुकान में था, ज़्यादा दुकान में भी नहीं था, इसलिए हमको नहीं मिल पाया। तो कोई बात नहीं, चलता है ना। ये देखो गाइस अभी हम लोग हैं शिवनाथ नदी के ऊपर पुल में, गाइस यार हम लोग अपना मोबाइल उधर छोड़ के आए थे कैवल्य धाम घूमने, अब हम लोग वापस जा रहे हैं, पता नहीं 2 घंटा कब का बीत गया, वो फोन ही नहीं करी हम लोग को, और हम लोग अपना घूम रहे, बताओ। कैवल्य धाम आए थे, लेकिन हम लोग गए वहाँ पर, क्या है ना वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो यार हम लोग नहीं बना पाए। हमने सोचा था कि वहाँ वीडियो बनाने के माध्यम से गए थे हम लोग, आपको वीडियो दिखाएंगे और कैसा लगेगा आपको, बहुत ही बढ़िया लगेगा, पर यार वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, शूटिंग भी अलाउ नहीं थी, तो हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। उसके लिए वीडियो बनाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन लगता है,
तो यार नहीं लिए हम लोग और ना ले पाए, इतना टाइम नहीं था तो हम लोग नहीं बनाए वीडियो वगैरह, ऐसे ही घूम के आ गए हम। और अगर आपको जाना हो तो आप भी जा सकते हैं, गूगल मैप में इसका रास्ता बहुत आसानी से मिल जाता है, कवल्य धाम। और अभी तो वापस हम लोग जा रहे हैं अपना क्या बोलते इसको भिलाई सुपेला अपना मोबाइल लेने उसके पास से। बहुत देर हो गया यार, अभी तक तो ठीक हो जाना चाहिए। तो गाइस यार हमारा मोबाइल अब ठीक हो चुका है, फिलहाल उसका ऑपरेशन हुआ, ठीक हो गया। 2 घंटे पता नहीं उसने क्या किया, मेरे को पता है क्या किया उसने, बस रिपोर्ट मारा, फैक्ट्री रिसेट मारा, बस इतना ही किया। मैंने बोला था उसको अपडेट करने की, अपडेट करेगी, पर अपडेट वो बोलती है कि अपडेट वर्जन आया नहीं है। जो अपडेट वर्जन अभी चल रहा है आपके मोबाइल में जो डला है, वही अभी का लेटेस्ट वर्जन है। तो फिर मैंने भी सोचा यार ठीक है, जब आएगा तब हमको मिल जाएगा, तो कोई बात नहीं। फ़ोन तो हमारा जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जो बग थोड़ा सा दिखा था, वो ठीक हो चुका है अभी और चल रहा है अब अच्छा खासा। तो ऑपरेशन सक्सेसफुल, अब बस वीडियो को एंड करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यार रायपुर भी गए थे हम लोग इस वीडियो में, तो कैसा लगा आपको? टाटी भवन भाई धूल ही धूल था वहाँ पे, और रवि भवन में भी हमें यार रिंग लाइट नहीं मिला। यार वहाँ का रेट बहुत ज़्यादा था, एक्सपेंसिव था यार, रवि भवन में तक एक्सपेंसिव था, क्योंकि यार वो मार्केट ही मोबाइल का है यार, उसमें रिंग लाइट लेने जाओगे तो थोड़ी ना मिल जाएगा था रेट, तो यार नहीं ले पाए हम लोग, नहीं लिए। और जब यहाँ आएगा तब देखेंगे, अभी स्टॉक ख़त्म हो गया था, क्या पता अगली बार आ जाए वही वाला, तो फिर ले लें हम लोग भी। अभी भगवान ने नहीं लिखा है हमारे लिए, जब आएगा तब ले लेंगे। और अभी तो YouTube से भी कुछ नहीं आ रहा है यार, जेब से खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अभी तो बहुत मेहनत है। तो हम लोग अभी कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे अपने तरफ से, क्योंकि यार इतना कर भी नहीं पाएंगे, तो फिर हम लोग बस वेट कर रहे हैं और वेट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करो, दिल से अपना प्यार दो और अपने भाई को सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक करो।